Hello everyone, this is Ashu and this will be our second lecture of classification and nomenclature of organic compound. Okay, so in our last class we was talking about the classification of organic compound which was based on structure. Aur aaj apan start karenge classification based on functional group. सो लास्ट टाइम अपन ने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके, और आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप. So, आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उससे बेटर ये रहेगा कि अपन लास्ट लेक्चर का कुछ रिवाइज कर लेते हैं एंड दिस वुड बी बेटर फॉर अस. तो क्या पढ़ा था अपन लास्ट टाइम में, ब्रीफली अपन एक बार देख लेते हैं. सो कैसे अपन ने क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपन ने दो टाइप में डिवाइड किया था. फर्स्ट क्या था, ओपन चेन, ओपन चेन, या इसको बोल सकते हैं अपन ए साइक्लिक, जिसमें साइक्लिक या साइक्लिक नहीं है, वो साइकिल नहीं है उसमें, ठीक है. एंड द सेकंड वन इज क्लोज्ड चेन, क्लोज चेन और साइक्लिक. देन अपन ने साइक्लिक कंपाउंड को फर्दर और टू पार्ट में डिवाइड किया था. फर्स्ट था होमोसाइक्लिक एंड द सेकंड वन वाज हेटेरोसाइक्लिक. देन अगेन होमोसाइक्लिक इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप अगेन, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक. सेम हेटेरोसाइक्लिक में भी ऐसे होता है, उसमें भी अपन क्या है एलिसाइक्लिक कहते हैं एक, तो एक होता है एरोमेटिक. देन जो होमोसाइक्लिक में एरोमेटिक है उसको फर्दर टू टाइप में डिवाइड करते हैं अपन. और वन था अपने फर्स्ट था बेंजेनोइड स्ट्रक्चर जिसमें बेंजीन रिंग हो, और दूसरा था नॉन बेंजेनोइड, बेंजेनोइड एंड नॉन बेंजेनोइड. अच्छा, ये जो यहां पर एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक लिखा है वो बिल्कुल हेटेरोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक लिखा है उससे बिल्कुल डिफरेंट है. अगर तुम अच्छी तरीके से याद रखना चाहते हो तो इस तरीके से बोलिए इसको, एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक, ओके, एरोमेटिक होमोसाइक्लिक. देन अगर तुम बात करोगे हेटरोसाइक्लिक के बारे में तो एलिसाइक्लिक हेटरोसाइक्लिक एंड एरोमेटिक हेटरोसाइक्लिक. अब थोड़ा सा ब्रीफली बात कर लेते हैं ओपन चेन क्या है, जिसमें एक पूरा साइकिल नहीं बनेगा, जैसे CH3CH2CH3, इसमें कोई एक साइकिल नहीं बन रहा है, ओपन चेन है ये. और दूसरा केस यहां पर देखूं मैं CH2CH2CH2 और ये थ्री कार्बन है पर एक साइकिल प्रोड्यूस कर रहा, तो उसको बोलते हैं क्लोज्ड साइकिल, क्लोज्ड चेन, सॉरी. अच्छा, अब होमोसाइक्लिक और हेटरोसाइक्लिक में इनको अपन ने क्लासिफाई किया है साइक्लिक कंपाउंड. होमोसाइक्लिक में क्या होता है कि जो साइकिल बन रहा है वो कार्बन ही बनाएंगे, सभी पार्टिसिपेंट जो साइकिल में है वो एक ही तरीके के होंगे, कार्बन 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 कार्बन, इसी तरीके से, ओके. एंड हेटरोसाइक्लिक में ऐसा होगा कि जैसे CH2 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 O
ये कंपाउंड देखिए, इसमें फोर पार्टिसिपेंट एक साइकिल को बनाने के लिए है, बट सभी कार्बन नहीं है, एक ऑक्सीजन है यहां पर, तो इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं अपन हेट्रोसाइक्लिक। ओके, अब होमोसाइक्लिक भी दो टाइप में डिवाइड किया अपन ने, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक क्या है, इस तरह के कंपाउंड, इस तरह के कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं है। यहां पर मैंने बताया थ्री कार्बन से बनने वाला, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, या इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या ये हो गया अपने पास में साइक्लोब्यूटेन, ये हो गया साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो पेंटेन भी बना सकते हो, साइक्लो हेक्सेन भी बना सकते हो, साइक्लो हेप्टेन भी बना सकते हो, है ना। इन सभी में कार्बन ही पार्टिसिपेंट है पूरा साइकिल बनाने के लिए। ओके, तो इस तरह के कंपाउंड को होमोसाइक्लिक एसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। दूसरा है एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें क्या होगा, सभी पार्टिसिपेंट जो साइकिल को बना रहे हैं वो कार्बन होंगे, बट उनमें क्या बेंजीन स्ट्रक्चर हो, ये बेंजीन रिंग हो, इस तरीके की बेंजीन रिंग हो, तो पहले तो एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। अगर एरोमेटिक कंपाउंड हो और उसमें बेंजीन रिंग हो तो उस टाइप के कंपाउंड को बोलेंगे अपन बेंजेनॉइड। अगर वो कंपाउंड एरोमेटिक भी है बट उसमें बेंजीन रिंग नहीं है तो अपन उसको बोलते हैं नॉन बेंजेनॉइड। क्लियर। अच्छा, एरोमेटिक की तीन शर्तें हैं, मैंने बता दिया तुम्हें। फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है हकल रूल। दूसरा क्या है, जितने भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने वाले एटम है वो सभी एक ही प्लेन में होने चाहिए। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा स्ट्रक्चर कॉन्जुगेशन, यानी कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ओके, जितने भी कार्बन जिनके बारे में बात कर रहा था कि सभी सेम प्लेन में होने चाहिए, वो इन्वॉल्वमेंट रखने चाहिए फॉर रेजोनेंस। क्लियर। देन सेम थोड़ा सा डिफरेंट, हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में क्या होगा, ये कंपाउंड बता दिया मैंने तुम्हें, ये जो कंपाउंड था अभी CH2CH2OCH2, इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं अपन एलिसाइक्लिक। और एरोमेटिक, इस तरह की कंपाउंड जो हेट्रोसाइक्लिक हो बट जो तीन शर्तें थी एरोमेटिकसिटी के लिए उनको फॉलो करते रहे हो तो उनको बोलते हैं अपन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, ये तो ब्रीफ रिवीजन हो गया लास्ट लेक्चर का। अब आ जाते हैं अपन आज के टॉपिक पर, वो क्या था अभी बता दिया था मैंने तुम्हें, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। सो क्लासिफिकेशन से पहले मैं चाहता हूं कि फंक्शनल ग्रुप को मैं तुम्हारे सामने रखूं, तो फंक्शनल ग्रुप होता क्या एक्चुअल में, तो वी शुड डिफाइन फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट। सो फंक्शनल ग्रुप को ये मान सकते हो कि ये या तो एक एटम है, या तो एटम कह सकते हैं, या ग्रुप ऑफ एटम जिनका एक कुछ फंक्शन हो, केमिकल एक्टिविटी हो, स्पेसिफाई कर सके उससे। जैसे यहां पर OH है, ये एल्कोहलिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है OH, जबकि यहां पर क्या है CHO एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ये ग्रुप ऑफ एटम है, फर्स्ट भी ग्रुप ऑफ एटम है, सेकंड भी ग्रुप ऑफ एटम है, तो ये तो एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ये एल्कोहलिक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और देखते हैं आगे। अपन ने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा है, जितने भी कुछ थे उनको और फर्दर क्लासिफाई करें तो क्या होगा, उनको उनके फंक्शनल ग्रुप के तौर पर उनको क्लासिफाई करना पड़ेगा। ठीक है,
जस्ट अ मिनट ना, तो जैसे एक आर एच एल्केन ग्रुप है, और सॉरी एल्केन ग्रुप तो नहीं कह सकता, एल्केन है ना। यहां पर क्या है, अपन हाइड्रोजन तो रिमूव कर रहे हैं, माइनस एच, माइनस एच का मतलब है एच को रिमूव कर रहा हूं, और मैं जोड़ क्या रहा हूं, एक ग्रुप जी रिप्रेजेंट ग्रुप, तो ये बन जाएगा अपने पास में आर जी। ओके, ये अपना एक हाइड्रोकार्बन था, हाइड्रोकार्बन था जिसका क्लासिफिकेशन अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इससे क्या हुआ, एक ग्रुप जुड़ गया और एक नया कंपाउंड बन गया, ये है ग्रुप। इसकी एक केमिकल रिएक्टिविटी होगी, इसका एक फिजिकल नेचर होगा, केमिकल नेचर होगा, उसके प्रिपरेशन के कुछ मेथड होंगे। ओके, सो अब जो ग्रुप है उनके कुछ जो क्लासिफिकेशन है उनको देख लेते हैं, कौन कौन से ग्रुप हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक टेबल बना रहा हूं, क्लास, क्लास फंक्शनल ग्रुप, तो सबसे पहले यहां पर है एल्कीन। एल्कीन कैसा दिखता है, तुम्हें यहां पर कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड दिखाई देगा। अगर कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड दिखाई देता है तो वो एल्कीन है, और कुछ भी हो सकते हैं ग्रुप, बट आपको ये दिखते ही आप बोल देना इसको एल्कीन ग्रुप है। यहां पर सेकंड एल्काइन, क्या होता है एल्काइन, कार्बन और कार्बन में आपको थ्री बॉन्ड दिख जाए तो आप उसको बोल देंगे एल्काइन। देन हैलाइड, पता ही आपको, अगर आपको एक्स दिख जाए, एक्स यानी कि वो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ये एक्स की वैल्यूज हैं। एक्स इसमें कुछ भी हो सकता है इनमें से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देन एल्कोहल, एल्कोहल्स एंड एल्कोहल्स रिप्रेजेंटेड बाय बॉन्ड ओ एच। देन एल्डिहाइड, ये दोनों अभी डिस्कस किया अपन ने, बताया था मैंने वैसे तो। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होता है सी एच ओ, अच्छा अच्छे तरीके से लिखे हैं तो सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच, ये होता है एल्डिहाइड। देन नेक्स्ट थिंग, अच्छा आप कॉपी करते रहना है ना, अभी क्या है लेक्चर के टाइम पे ऐसा लगता है कि सब कुछ समझ में आ रहा है, जब लेक्चर एंड होता है और वापस कभी देखोगे इसको तो तुम्हें सब कुछ नया नया लगेगा। इसलिए क्या है कि आप सब कुछ इसको नोट करते रहना। देन द नेक्स्ट थिंग इज कीटोन, कीटोन इज रिप्रेजेंटेड बाय सी ओ और बॉन्ड, इस तरीके से सी डबल बॉन्ड ओ, इधर भी कोई ग्रुप होना चाहिए, इधर भी कोई ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप तो नहीं बोल सकता, कोई कार्बन, जैसे कार्बन लगा दिया तो इस तरीके का कंपाउंड या इस तरीके का सी डबल बॉन्ड आपको कहीं पे भी मिल जाए, दोनों आसपास में कार्बन हो, तो उसको कीटोनिक ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास में कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको नॉर्मली तो आप सी ओ ओ एच लिखेंगे, और होता कैसा इसका स्ट्रक्चर, सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच। इसीलिए क्या देखो यहां पर हाइड्रोजन दिख रहा है तुम्हें, तो हाइड्रोजन इज लिंक्ड टू ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जब भी हाइड्रोजन पे होता है तो वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। अब यहां पर एक एसिडिक हाइड्रोजन है इसीलिए इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड वो होता है सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, अच्छा इस तरीके से नहीं लिखू मैं स्ट्रक्चर, बात में बताता हूं मैं, सी ओ सी एल लिखा हो या सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, इसको बोलते हैं अपन एसिड क्लोराइड। नेक्स्ट थिंग इज एनहाइड्राइड, या अपन इसको अच्छे तरीके से बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड,
हाइड्राइड, एंड इसका स्ट्रक्चर होता है आपको या तो ये देखने को मिलेगा, सी, इसी का स्ट्रक्चर ही बता देता हूं आपको मैं, सी सॉरी ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड ओ, इस तरीके के स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन एसिड एनहाइड्राइड। अच्छा आपने ऑब्जर्व किया यहां पर मैंने बोला एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड, तो आप पहले वाले स्ट्रक्चर को देखें एसिड वाले स्ट्रक्चर को, तो यहां पर OH को रिप्लेस करके मैंने क्लोरीन लगा दिया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है एसिड क्लोराइड, कार्बोक्सिलिक एसिड से ही अपन एसिड क्लोराइड बना सकते हैं, देन कार्बोक्सिलिक एसिड से अपन एसिड एनहाइड्राइड भी बना सकते हैं। एसिड एनहाइड्राइड का मतलब यह है कि जब दो मोलेक्यूल या दो मोल कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे उसमें से वन मोल वॉटर मोलिक्यूल रिमूव कर दो, एनहाइड्राइड का मतलब है वॉटर मोलिक्यूल रिमूव करना, एनहाइड्रस का नाम तो है ना, तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलकर एक मोलिक्यूल एच टू का रिमूव कर देंगे तो वो एक ही मोलिक्यूल बन जाएगा। मैं थोड़ा सा बता ही देता हूं यहां पर, मान लो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है ये एसिटिक एसिड और ये एक और एसिटिक एसिड का मोलिक्यूल, और इसमें से क्या है कि वॉटर मॉलिक्यूल अपन ने बाहर निकाला, वॉटर मॉलिक्यूल कहां से निकाला है, ये वॉटर मॉलिक्यूल, अभी मैं पूरा प्रोसेस नहीं बता रहा हूं तुम्हें कि कैसे निकाला इसको, वॉटर मॉलिक्यूल मैंने बाहर निकाल दिया तो ये बन गया अपने पास में सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी एच थ्री। अब आप देखो कि मैं सी एच थ्री जो है ना यहां ये सी एच थ्री एसिडिक एसिड की जगह पर मैं और कुछ भी ले सकता हूं, तो सभी में CH3 चेंज हो सकता है, ये चेंज नहीं होगा, इसको बोलते हैं अपन एसिड एनहाइड्राइड। यहां पर देखो ये स्ट्रक्चर मैच कर रहा है इससे, तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको जहां पर भी दिखे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो आप उसको बोल देंगे एसिड एनहाइड्राइड है, ये एसिड एनहाइड्राइड। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एस्टर, क्या है एस्टर, और एस्टर इस तरीके से होता है या तो लिखा होगा बॉन्ड सी ओ ओ आर, या इसका स्ट्रक्चर है सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, हालांकि एस्टर भी जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। रिएक्शन सभी पढ़ेंगे अपन, इनके सभी के प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे तब आपको क्लियर भी हो जाएगा। देन नेक्स्ट है नाइट्राइल, नाइट्राइल या साइनाइड, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये आपको सी एन भी मिल सकता है, बॉन्ड सी एन, ठीक है, इसको बोलते हैं साइनाइड या नाइट्राइल। देन नेक्स्ट थिंग इज आइसो नाइट्राइल, आइसो नाइट्राइल या इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, इसका उल्टा कर दो इसको, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, अब ये माइनस और यहां पर है प्लस, ऐसा स्ट्रक्चर है आइसोसाइनाइड का। हुआ क्या है एक्चुअल में बता देता हूं मैं तुम्हें, नाइट्रोजन से डबल बॉन्डेड कार्बन था और एक इधर बॉन्ड था, तो इस कंडीशन में क्या है नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होगा और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4 और दो इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, इसको रिक्वायरमेंट है 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करता है, एक डेटिव बॉन्ड बनता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, ये दो लोन के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कार्बन को डोनेट कर दिए जाते हैं, तो होगा क्या नाइट्रोजन ने डोनेट किए, पहले से दो बॉन्ड तो यहां पर बना देता हूं, ये दो इलेक्ट्रॉन और अभी ये एक डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसको बोलते हैं अपन ये बना दिया है, तो इस तरीके से यहां यहां लगा ये, और नाइट्रोजन ने डोनेट किया है तो यहां पर फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव है, +1 फॉर्मल चार्ज है
और यहां पर माइनस वन फॉर्मल चार्ज है। अब देखो सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन कार्बन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन में भी इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट। एंड कार्बन के केस में भी आप देखेंगे तो कार्बन में भी यहां पर ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 + 6 = 8। तो ये होता है आइसोनाइट्राइल। कभी क्या कंफ्यूज हो जाते हैं अपन की मतलब स्ट्रक्चर कैसा है, तो रिएक्शन में मिस्टेक कर देते हैं, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ अपने पास में आइसोनाइट्राइल या बोलते हैं अपन आइसोसाइनाइट। देन द नेक्स्ट थिंग इज ईथर, ईथर्स। ईथर का किस तरह का बॉन्ड हो, कार्बन बॉन्ड कार्बन, ठीक है, इस तरीके से लिख दूं, कार्बन कितने भी बॉन्ड बना सकता है, कुछ भी करे, बट दो कार्बन के बीच में ऑक्सीजन हो जाए तो इस सिचुएशन को बोलते हैं अपन ईथर। जैसे एक एग्जांपल CH3OCH3, मेथॉक्सी मेथेन नाम है इसका, डिस्कस बाद में करेंगे इसके नोमेनक्लेचर को। देन द नेक्स्ट थिंग इज एमाइड, एमाइड, एमाइड का स्ट्रक्चर होता है C(OON), यहां पर नाइट्रोजन और दो बॉन्ड बना रहा है, वो चाहे तो H हो सकता है, चाहे कोई कार्बन हो सकता है, यहां पर चाहे दोनों कार्बन हो सकते हैं, एक H हो सकता है एक कार्बन हो सकता है। तो अगर आपके इस केस में दोनों कार्बन हो तो इसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी एमाइड, ठीक है। अच्छा इसको डिस्कस नहीं करते हैं अपन, सेकेंडरी प्राइमरी एमाइड क्या होते हैं वो सभी बाद में डिस्कस करेंगे, बट आपको ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन ने यहां पर 3 बॉन्ड बना रखे हैं, इस तरह की कंडीशन है, और कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से एक एक बॉन्ड होना ही चाहिए नाइट्रोजन का, तो इस केस को बोलते हैं अपन एमाइड। ओके, तो ये सभी फंक्शनल ग्रुप थे जो अपन मैंने अभी जो लिस्टेड किए तुम्हारे सामने, ये सभी फंक्शनल ग्रुप थे। नाउ एंड करते हैं अपन, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन हो उनको कैसे पहचाने अपन, अगर कोई बोलता है कि 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है तो इसका क्या मतलब होगा, 3 डिग्री या टर्शरी कार्बन कितने हैं इसका क्या मतलब होता है, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो एक बार ब्रीफली मैं बता देता हूं कि आज अपन ने क्या क्या देखा है यहां पर। तो अपने सबसे पहले डेफिनेशन देखी फंक्शनल ग्रुप की, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, या तो एक एटम होगा, जैसे कि एक हैलाइड ग्रुप बताया था मैंने, हैलाइड ग्रुप क्या था, ये एक्स या क्लोरीन लिख दो, ये क्लोरीन, यहां पर एक ही एटम है, या तो एक एटम होना चाहिए, ये हैलाइड ग्रुप हो गया, या क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम में मान लीजिए CHO, यहां पे ग्रुप ऑफ एटम है, कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन है, तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर हैं उनको बोलते हैं अपन फंक्शनल ग्रुप। इनकी सबकी केमिकल रिएक्टिविटी, इनके प्रिपरेशन के मेथड, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है। ओके, तो ये था कंप्लीट क्लासिफिकेशन विच वॉज बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में, नेक्स्ट टाइम अपन फर्दर कुछ डिस्कशन करेंगे। गुड बाय एवरीवन।